हेलो डियर स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज मैं आपको इस बारे में बताने जा रहा हूँ, शिलोंग पॉलिटेक्निक मेघालय के बारे में। तो आपको क्या करने पड़ते हैं, किस तरीके से सारी चीज़ें करनी होगी आपको अप्लाई करने के लिए, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं। कुछ भी डाउट होता है आप डेफिनेटली कमेंट कीजिएगा। तो आपको क्या करना है सर्च करने के लिए इस बारे में, आपको एडमिशन कौन सी जगह पर कहाँ पर लेना होता है, किस तरीके से सारी चीज़ें करनी होती है अप्लाई करने के लिए, एडमिशन प्रोसेस रहेंगे, काफ़ी सिंपल है। तो कुछ भी डाउट होता है आप डेफिनेटली कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए ऐसे वीडियो फ्यूचर पाने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो शिलोंग पॉलिटेक्निक मेघालय 2021 के बारे में आपको यहाँ पर बताऊँगा इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप। किसी भी ब्राउज़र से google.com ओपन कर लीजिए, वहाँ पर आपको टाइप करना होता है एग्जैक्टली जो मैंने यहाँ पर टाइप किया है, और यहाँ पर फिर सर्च करना आपको। फिर सर्च करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट वाले पेज पर शिलोंग पॉलिटेक्निक मेघालय 2021, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको क्लिक करके ओपन हो जाना होता है। ठीक है, यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म डेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने चाहिए अप्लाई करने के लिए। शिलोंग पॉलिटेक्निक हैज़ बीन रिस्पॉन्सिबल टू रिलीज ऑल इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशंस, मतलब इस चीज़ के बारे में यहाँ पर आपको की जाती है। सबसे पहले तो आप इस फॉर्म को फिल करना जो सामने आपके फॉर्म है, तो वो फॉर्म कहाँ है मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, अब दिखाई दिया। ओके, अब आपको यहाँ पर फॉर्म को फिल करनी है, तो फॉर्म को यहाँ पर फिल करना है, और आपके जीमेल आईडी कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, कौन से स्टेट के रहने वाले, अपना स्टेट यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए, जिस किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं आप, मेघालय के रहने वाले। ओके, मेघालय पे सेलेक्ट कीजिए, आपकी मर्ज़ी। ओके, मैं सेलेक्ट कर लीजिए। अब आपकी स्टेट कौन से स्टेट में रहने वाले हैं, तो मुझे आना नहीं है और मैं पूछ रहा हूँ सर, यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। आपको कौन से कोर्स में आप इंटरेस्ट है, मुझे भी इंटरेस्ट होगा उस कोर्स में जिसमें भी आपको इंटरेस्ट होगा, अपना बस सेलेक्ट कीजिए। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपकी जो भी होगा सेलेक्ट कीजिए। आपको क्या करना है, गेट फ्री काउंसलर पे फिर क्लिक करना है, तो उससे होगा क्या, उससे ये होगा आपके जो कॉन्टैक्ट नंबर है और उस आपके ईमेल आईडी, उसके फ्री ऑफ कॉस्ट उसके थ्रू आपको जो है एसएमएस आपके किसके रिलेटेड आते हैं, शिलोंग पॉलिटेक्निक मेघालय के रिलेटेड आपको जो है एसएमएस आते रहेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, आप इजिली पा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर गेट फ्री काउंसलर पर क्लिक कीजिए, आपके सामने इसी तरीके से कुछ पॉपअप आता है। ओके ओके, तो हैज़ बीन रिस्पॉन्सिबल टू रिलीज द इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन अबाउट द, इसके बारे में। ओके, अप्लीकेंट विल गेट ऑल नोटिफिकेशन अबाउट द एडमिशन प्रोसीजर ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू। ठीक है, तो जो भी बच्चे यहाँ पर इंटरेस्टेड है और एलिजिबल हो पा रहे हैं वो अप्लाई कीजिए, और ये सारी की चीज़ों के बारे में अगर बताएगी अप्लीकेंट गेट द शिलोंग पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट ऑफ द आउट्स स्क्रिट्स और ऑफ द सिटीज ऑफ शिलोंग्स विद द हेल्प ऑफ एडमिशन प्रोसीजर के थ्रू, और क्वालिफाई बच्चे यहाँ पर वही अप्लाई करते हैं सारे बच्चे, और अच्छे मार्क्स के साथ यहाँ पर आपको सारी जो है एडमिशन लेना और फील करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्ज़ाम नेम आपके शिलोंग पॉलिटेक्निक, एग्ज़ाम टाइप्स डिप्लोमा लेवल का, एग्ज़ाम लेवल स्टेट लेवल का, और कंडक्टिंग बॉडी यहाँ पर सही है, और एप्लीकेशन मोड यहाँ पर ऑनलाइन मोड से होगा। ओके, राइट बोले आप, सही बोले। यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म डेट यहाँ विल बी अवेलेबल सून कर दी जाएगी, और प्रोविजनल मेरिट लिस्ट यहाँ पर इंटरव्यू के थ्रू जो होती है वो भी अवेलेबल कर जाएगा, और डेट बताई जाती है यहाँ पर कभी होगा। ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने ये रहा, कुछ भी आपको सारे डॉक्यूमेंट जो है नोटिफिकेशन या फिर कुछ भी एडमिशन प्रोसेस के तौर पर आती है ऑफिशियली आती है, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है। ओके, लिंक है उसका, मतलब ये कॉपी करते हैं और उससे आपको आपके ब्राउजर्स पर सर्च करना होता है। ओके, तो एग्ज़ाम डेट्स यहाँ पर आप देख सकते हो। उससे पहले आपको एक गुड न्यूज़ बताना चाहूँगा, देश के टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में फुल फॉर्म एडमिशन स्टार्ट है। तो आपको क्या करना है कि किसी भी ब्राउज़र से google.com ओपन कर लीजिए, वहाँ पर मतलब करना होता है ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले तो UPS यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, GT गोयनका यूनिवर्सिटी, DIT यूनिवर्सिटी, शारदा यूनिवर्सिटी, मानव रचना यूनिवर्सिटी, KL यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल, SRMU, SSIU, इन सारी यूनिवर्सिटीज़ में फुल फॉर्म एडमिशन स्टार्ट है। आप यहाँ पर अप्लाई नाउ क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं उस यूनिवर्सिटीज़ के लिए जिसमें भी आपको एडमिशन लेने होते हैं। ओके, राइट, काफ़ी सही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये देश के टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं यहाँ पर। यहाँ पर बच्चे जो है काफ़ी दूर दूर के बच्चे यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आते हैं, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, काफ़ी ईजी है। तो सॉरी फॉर दिस साउंड। ओके, तो यहाँ पर आप जैसे नीचे आते हैं तो यहाँ पर जो भी बच्चे हैं ना, तो यहाँ पर और डेट्स कैसे देखनी होती है, तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पर जो ऑनलाइन मोड से आपका डेट रिलीज़ होगा वो डेट कौन सा, तो ये स्टार्टिंग डेट है और ये लास्ट डेट है, याद में रखना। इस तरीके से डायरेक्टली आप देख सकते हैं, आप 3rd week of July में ये स्टार्टिंग डेट है, और लास्ट डेट कभी है, 1st week of August। ओके,
डेट ऑफ सबमिशन ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म जुलाई वीक ऑफ जुलाई, ओके 3rd जुलाई को यहाँ पर होगा और ये 1st जुलाई, ओके ऐसा ही करना है, काफ़ी इजी, कुछ भी डाउट मतलब कुछ भी हार्ड नहीं इसमें और देखना इम्पॉसिबल। चलिए एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ, तो एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू रिलीज कर जाती है, वहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 3rd वीक ऑफ जुलाई में यहाँ पर की जाती है एप्लीकेशन फॉर्म, हैव टू बीन अवेलेबल ऑनलाइन मोड से आप यहाँ पर कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू। तो ये जो भी बच्चे यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं, फिल करना चाहते हैं एप्लीकेशन फॉर्म को, ऑफिशियल वेबसाइट से चेक कीजिए, फिर एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कीजिए। वहाँ पे हर एक डिटेल्स जो भी पूछे जाएंगे, आपके नेम, आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपके प्रिंट आउट, आपके फादर नेम, आपके नेम, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के डिटेल्स, एड्रेस क्या है आपके, कॉन्टैक्ट डिटेल्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको फ़ोटो ऑफ आपके सबमिट करने पड़ते हैं आपके पासपोर्ट साइज के, और कौन से आपके एक हैं जो क्या बोलते हैं सिग्नेचर्स बोलते हैं, ओके। फिर उसके बाद आपको प्रिंट आउट निकालने होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो पेमेंट कर लेंगे ना आप एप्लीकेशन फॉर्म के उस तरीके से, फिर आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिलोंग द लिस्ट ऑफ दी किसका, यहाँ पर आप खुद ही देख सकते हैं किसका बोला गया है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स सबमिटिंग के लिए डेट्स वहाँ पर कर बताई गई, किस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पर आप इजीली कर सकते हैं। यहाँ पर पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटोग्राफ्स लगते हैं, 10th के 12th के जो भी है आपके मार्कशीट यहाँ पर लगेंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या बताया गया, मेघालय के फीस देख सकते हैं, ओके। एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो नेशनलिटी क्या रहनी चाहिए अप्लाई करने के लिए, एज क्रिटेरिया कितनी, क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम देख सकते हैं 21 ईयर्स, तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, मतलब एज क्रिटेरिया 21 ईयर्स रहेंगे अप्लाई कर सकते हैं, इंडियन सिटीजन रहेंगे अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन आपके यहाँ पर 10th कम्प्लीट हुआ रहने चाहिए, क्वालिफिकेशन मार्क्स यहाँ पर 45% मार्क्स चाहिए अप्लाई करने के लिए, मेडिकल फिटनेस भी यहाँ पर ज़रूरत है, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पर बोला गया है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिजर्वेशंस यहाँ पर चेक कर सकते हैं, कोर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग सीट जो यहाँ पर 60% सीट्स यहाँ पर अवेलेबल है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 30, फिर 30, फिर 30, फिर 30, फिर ये कंप्यूटर साइंस के लिए, इसी तरीके से आपको चेक करना है, काफ़ी सिंपल है। तो पर्सनल इंटरव्यू यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस जो होते हैं ना आपके, तो सेलेक्ट कैसे किया जाता है, आपका इंटरव्यू होता है पर्सनली यहाँ पर, जो भी सारे अलग अलग राउंड होते हैं इंटरव्यू राउंड फॉर द एप्लीकेंट यहाँ पर बच्चों के लिए, हु वांट टू गेट एडमिशन, जो भी एडमिशन लेना चाहते हैं इन शिलोंग यूनिवर्सिटीज़ में, तो यहाँ पर एडमिशन के लिए तो इंटरव्यू राउंड को यहाँ पर देना होता है ऑफिशियल वेबसाइट, ऑफलाइन मोड से देना होता है, ठीक है, कंडक्टेड ऑफलाइन मोड से और खुद से, और प्रेजेंट इन पर्सन काउंसलिंग राउंड होता है अलोंग द डॉक्यूमेंट्स के थ्रू, डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास होने चाहिए, जो डॉक्यूमेंट्स आप दिखाएंगे बताएंगे कि ये सारे प्रूफ मेरे पास हैं अप्लाई करने के लिए। फिर उसके बाद यहाँ पर आप क्या बताया गया आपको यहाँ पर चेक कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप इजीली चेक कर सकते हैं। सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर लेके रखने होते हैं, इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पर जो है इंटरव्यू जब होते हैं ना तो वो दिखाने होते हैं, क्योंकि प्रूफ चाहिए उसको कि आप सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, जो भी मतलब डिपेंड करता है। तो आप ऐसे सारी चीज़ें करेंगे, वेरिफिकेशन प्रोसेस होते हैं, काउंसलिंग राउंड होते हैं अलग अलग, तो इस तरीके से करने होते हैं। फिर आपको पेमेंट जो एडमिशन फीस लगते हैं तो उसको पेमेंट करने पड़ते हैं, जितना भी रहेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है उस कॉलेज के ऊपर। तो ऐसे कुछ वीडियो फ्यूचर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।